अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 केनल रोड गोकुलपेट नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ कार्यालय का लोकार्पण के पश्चात स्वीपर कॉलोनी का नाम बदलकर सुदर्शन कॉलोनी रखा गया। फिर कॉलोनी के रहने वाले लोगों को पट्टा वितरण कर मालिकाना हक देने को कहा गया। बता दें कि भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम डाकाहा की ओर से 13 मार्च को महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण किया और स्वीपर कॉलोनी का नाम बदलकर सुदर्शन कॉलोनी का नामांतरण फलक के अनावरण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप हाथीबेट के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर कार्यालय अध्यक्ष पवन सातपुते, महासंघ के महासचिव गौरी शंकर ग्रावकर की खास उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम डाकाहा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय स्वीपर कॉलोनी का नाम हटाकर सुदर्शन कॉलोनी कहा जाए और साथ ही साथ यह बस्ती वासियों को मालिकाना हक देते हुए पट्टे देने का पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में कम से कम 100 साल से अधिक वहां के लोग निरंतर निवास कर रहे हैं और इस तथ्य को समझते हुए उनको पूरी तरीके से मालिकाना हक प्रदान करें। इस कार्यक्रम के अवसर पर सर्व श्रीनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक पारधी और खुफिया पुलिस विभाग के मदने और महासंघ के युवा कार्यकर्ता और महिला बच्चे सहित सभी लोग शामिल रहे। राज्य भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ यहाँ पे जो कार्यालय का महाराष्ट्र प्रदेश का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और विशेष तौर पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे 200 साल से रहते आ रहे हैं, वहाँ पे हमको भंगी मेहतर और सीपर सीपर बोला जाता था। तो आज हमने ये कहा है कि हम हमें भी एक सुधारित नाम से, एक अच्छे नाम से हमको बुलाया जाए, ये बस्ती का अच्छा नाम हो, इसलिए उसका भी हमने एक नामकरण किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड के अंदर में सुदर्शन कॉलोनी लक्ष्मीनगर नागपुर करके। और विशेष तौर पे मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते जैसे कि हमारे यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित है और हमारे कुछ बाजू में एक बस्ती है लक्ष्मीनगर झोपड़पट्टी करके, वो हमारे सामने बैठी हुई है बस्ती है। आज वहाँ पे पट्टे मिल चुके हैं, सब लोगों को रहस्य हो चुकी है, लेकिन अभी बात ऐसी है कि हम लोग इतने साल से रह रहे तो कभी किसी ने हमारे को, कोई नेता ने, कई नेता आए, कई नेता आके चले गए, कई लोगों ने आश्वासन दिया, इसके अलावा हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के तरफ से हमारे को यहाँ पे एक अस्थाई जगह मिल सके, अस्थाई पट्टे मिल सके और सभी लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्री करके मिल सके, ताकि यहाँ पे हमेशा वो सुरक्षित रहे। ये डर लगे रहता है कि कब क्या इस बस्ती का होगा, ये सब चिंतित है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये बात को सारे हमारे शासन और प्रशासन तक भेजे और सभी हमारे सुदर्शन समाज के जो लोग हैं वो भी इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसको पट्टे मिलना चाहिए। ये भारतीय सुदर्शन समाज पूरे भारतवर्ष में फैला है और इसकी कार्यकारिणी पूरे राष्ट्रीय स्तर में 11 राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर है। पूरे भारतवर्ष में 7 से 8 करोड़ की संख्या में ये समाज है और इनका आराध्य देव महर्षि सुदर्शन जी है। जैसे रविदास जी होते, वाल्मीकि जी होते, वैसे इनके हमारे जितनी भी उपजातियां हैं, ऐसे 27 उपजातियां होती है, उसके आराध्य देव सुदर्शन जी है। हमारा शासन से यही कहना है कि जिस प्रकार से रविदास जी को बनाया गया, समाज में नाम दिया गया, महर्षि वाल्मीकि समाज नाम दिया गया, उसी तर्ज में हमारे को भी गवर्नमेंट के जो अनुसूचित जाति गैजेट होता है उसमें सुधारित नाम करके, क्योंकि हमारे को दुर्भाग्य है कहीं हेला डोम डुमार धानुक लंगारची बसोर बंसोर बांसपोर इस प्रकार से जाने जाते हैं। हम उसको सुधारित नाम शासन से ये कह रहे हैं, केंद्र शासन से, कि भाई हमारे को सुधारित नाम सुदर्शन करके दिया जाए जिसमें हमारी 27 उपजातियां उसमें समाविष्ट हो और हमारे को संबोधित करते समय सुदर्शन समाज बोला जाए। ये हमारा पहला संघर्ष है। दूसरा, आआज हमने जो 24 दिसंबर 2019 को दिल्ली के ताल कटोरा में जो राष्ट्रीय सम्मेलन लिया था उसमें काफी पैमाने पर पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे, वहां भी हमने यही कहा था
और ये समाज ज्यादातर सफाई पेशे से जुड़ा, ऐसा नहीं कि सभी सफाई कर्मचारी है। आज हमारे भी आईपीएस आईएएस बहुत सारे अधिकारी हुए हैं और हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर हमारा भी बढ़ रहा है, परंतु आज भी हमें अगर वो घृणता की नजर से देखा जाता है, वो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संकल्प था कि शोषित पीड़ित दलित समाज अपने स्वाभिमान से जिए, बस वही स्वाभिमान को लेकर के हम लोगों ने महर्षि सुदर्शन जी के नाम पर अपना संबोधित हो ऐसा हमने शासन से डिमांड रखा है। आपने देखा होगा आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम जी डका, इन्होंने अपने परिसर में आज कार्यालय का उद्घाटन के साथ साथ सुदर्शन कॉलोनी होना चाहिए बहुत बड़ा उन्होंने जिगर रखा, और उसके पत्र व्यवहार में सुदर्शन नाम आएगा, उसके जो भी सरकारी प्रोसीजर होंगे वो हम लोग इनसे चर्चा करके वो भी करस्पॉन्डिंग करेंगे, ताकि ये जो सीपर कॉलोनी जो शब्द लगा था ये सुधारित होकर सुदर्शन समाज हो, सुदर्शन कॉलोनी हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और प्रदेश का एक सम्मेलन भी लेने जा रहे हैं, उसमें भी हम शासन राज्य शासन केंद्र शासन से जो भी हमारी डिमांड है, अब डिमांड तो ऐसी बहुत सारी है, लेकिन जब वो हम प्रस्ताव रखेंगे शासन से, उम्मीद करते हैं कि शासन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और हमारे भी सुदर्शन नाम से संबोधित करा जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर हमारी मांग की सुनवाई नहीं हुई तो देखिए सर, ऐसा है आप सब जानते हैं, जो हमारा भला करेगा हम उसके साथ हैं, बस अब आप समझ सकते हैं, आंदोलन करने का अपना हक मांगने का सबको अपना अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सबको दिया है अधिकार, हम भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।